नमस्कार दोस्तों, तो आज का भी हमारा यूनिट ट्यूब टॉपिक रहेगा। आप हमारे क्राउन इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारी कम से कम 300 से ज़्यादा वीडियोस हैं स्टडी से रिलेटेड या फॉरेन इमिग्रेशन से रिलेटेड या फॉरेन न्यूज़ से रिलेटेड। अगर आप उनको सबको देखना चाहते हैं तो आप क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लें। तो ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है फॉरेन कंट्रीज से। जो हमारे इंडियंस हैं या एशियंस हैं फॉरेन कंट्री में सेटल्ड हैं, वो चाहते हैं कि उनके लिए भी स्टडी इन कनाडा की वीडियो बनाई जाए, स्टडी इन कनाडा फॉर फॉरेन सिटीजंस। ये हमारे जो इंडियंस हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में सेटल्ड हैं या वहाँ पर उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो चाहते हैं कि वहाँ से वो अपने बच्चों को रीलोकेट कर दें कनाडा में हायर स्टडीज़ के लिए। जैसे हम मिडल ईस्ट से लेकर चलते हैं, पहले मिडल ईस्ट को कवर करते हैं। जितनी भी जीसीसी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हमारे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं इंडियंस, दे आर डूइंग द जॉब्स एज वेल एज द बिजनेसेस देयर। तो उनके बच्चे वहाँ पर लोकल स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को वहाँ से कनाडा हायर स्टडीज़ के लिए भेजें। तो फॉरेन के बच्चे भी, चाहे आप किसी भी कंट्री में रह रहे हैं फॉरेन के किसी भी कॉर्नर पे, अगर हम एशियन कंट्रीज़ को लेकर चलते हैं, चाहे आप यूरोपियन कंट्रीज़ में, जो हमारे इंडियंस ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज़ में सेटल्ड हैं, या ऑलरेडी हमारे इंडियन स्टूडेंट या एशियन स्टूडेंट ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज में पढ़ रहे हैं, वो चाहते हैं वहाँ से फर्दर रीलोकेट होने के लिए। चाहे वो जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, फिनलैंड, किसी भी कंट्री में बैठे हुए हैं, चाहे वो फ्रांस में हैं। फ्रांस के स्टूडेंट्स के लिए दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि मैं फिर बताऊं, अगर आप ऑलरेडी फ्रांस में पढ़ रहे हैं, फ्रांस से अगर आपने कनाडा जाना है स्पेसिफिकली इन क्यूबिक में, तो आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। क्योंकि अगर आप फ्रांस में पढ़ रहे हैं, आपको फ्रेंच लैंग्वेज आती है, तो आपको इवन हम एज ए स्टूडेंट एज वेल एज अंडर परमानेंट रेजिडेंसी के थ्रू भी भेज सकते हैं, अगर आपको एटलीस्ट A1 से लेकर B2 तक की फ्रेंच लैंग्वेज आती है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि अगर आप फॉरेन कंट्रीज में कहीं पर भी सेटल्ड हैं, अपने बच्चों को भेजना है कनाडा में, जहां आप ऑलरेडी फॉरेन कंट्रीज में पढ़ रहे हैं, आइदर यू आर इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, US और यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं, या मिडल ईस्ट में हैं, या साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में हैं, किसी भी कंट्री, चाहे आप एशिया अपना, चाहे आप रशियन कंट्रीज़ में हैं, वहाँ से कनाडा आना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट, तो हम आपकी 100% हेल्प कर सकते हैं। इवन हम उन स्टूडेंट से भी कोई भी चार्जेस नहीं लेते, आइदर बिफोर वीज़ा और आफ्टर वीज़ा, अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा आपका प्रोसेस करना है क्रॉन इमिग्रेशन के थ्रू। लेकिन हमारी कंडीशन यही है कि आपकी प्रोफाइल अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी बननी चाहिए। अगर आप कनाडा एज ए स्टूडेंट जाना चाहते हैं, चाहे क्यूबिक में, चाहे किसी भी प्रोविंस में, तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्यूमेंट हमें जो डिस्प्ले किए हुए नंबर उनके ऊपर भेज सकते हैं, या जो ईमेल लिखी है उसमें भेज सकते हैं असेसमेंट के लिए, तो हम आपको इमीडिएटली रिप्लाई करेंगे। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू कनाडा, आइदर फॉर स्टूडेंट वीज़ा है या टूरिस्ट वीज़ा है, तो आप हमें इमीडिएटली संपर्क कर सकते हैं, नियर बाई ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। तो लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।